जय हिंद, आपका बहू वापस आ गया आपके पास। सिस्टम की इतनी पिछवाड़े में ताकत नहीं थी कि भाऊ को बंद कर सके। मेरी आवाज दबा सके इतना किसके पिछवाड़े में ताकत नहीं थी। बहुत कोशिश किया, मुझे कुछ 12:30 बजे लेके गए थे, 12:30-1 बजे कुछ। अभी कुछ देर पहले मुझे छोड़ा है। बहुत कोशिश की, ये नहीं करना है आपको, वरना आपके ऊपर केस होगा, ये करेंगे वो करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे हिंदुस्तान के युद्ध के लिए लड़ूंगा, हिंदुस्तान के हर वो एक इंसान के लिए लड़ूंगा जिसका फायदा ये सिस्टम लेता है। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से प्यार आपको बहुत सारा कि आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं कल कुछ 11 बजे से घर छोड़ के भाग गया था, क्योंकि मुंबई पुलिस मेरे पीछे लग गई थी। मेरे दोनों भी घर पे पुलिस का पूरा काफिला खड़ा था। उनकी कोई गलती नहीं, ये सिस्टम ऊपर से ऑर्डर आया था कि ये स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए ये कल शिवाजी पार्क नहीं पहुंचना चाहिए। तो कल मैं 11 बजे से भागू तो किधर भागू। मुंबई की हर पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, हर पुलिस ढूंढ रही थी। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे प्यार करते हैं, तो किसी ने अपने घर में एक सहारा दिया। मैं कल रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली मुझे एयर कंडीशन में तुम्हारे भाऊ को सोने की आदत है। मुझे पूरा एकदम रूम ऐसा चिल्ड मांगता है तो नींद आती है। और मैं कल जिधर था उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे वो रात काटने दी उन्होंने, थैंक यू सो मच। मगर वो रात भर सो नहीं पाया। फिर सुबह पता चला कि मेरे सारे नंबर्स ट्रेस पे लगाए गए और मुझे ढूंढ रहे सब। मेरी गाड़ियां जितनी भी है उनका नंबर उन्होंने ये किया है और सब जगह पहुंचाया है कि ये गाड़ी कहां भी दिखी उसको रुकाओ। अब मेरे पास रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं कैसे, आप लोगों की आवाज पहुंचाऊं कैसे, रास्ता नहीं था मेरे पास। इसके लिए मेरे एक दोस्त की एम्बुलेंस है, उसको मैंने फोन किया कि यार कैसे भी करके मुझे शिवाजी पार्क पहुंचा, क्योंकि आज ये हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स और उनके माता पिता के लिए मुझे आवाज उठाना है, न्याय दिलाना है, इनको वहां पहुंचा दे यार।
तो वो मान गया, वो आया, फिर वहां गया, मगर आखिर में मुंबई पुलिस, उन्होंने बराबर मेरी गाड़ी वो एम्बुलेंस पकड़ी मेरे को। अच्छा हुआ वहां पे सब मीडिया वाले थे तो लोगों तक मेरी आवाज पहुंची, वरना तो पता नहीं मुझे वहां से कहां गायब कर देते उन लोग। तो मुझे शिवाजी पुलिस स्टेशन में नहीं लेके गए, मेरी गाड़ी पूरी घुमाई पुलिस स्टेशन से, यहां वहां घुमा के इन्होंने मुझे लेके गया माहिम पुलिस स्टेशन, कि स्टूडेंट्स को समझे नहीं कि भाऊ को कहां लेके गए करके। तो माहिम पुलिस स्टेशन में मुझे बिठा के रखा, मेरे पे केस बनाई, केस बनाई, नोटिस दिया है मुझे कि अगर आपने वापस किया तो अच्छा नहीं होगा। मगर मैं वहां ये बोल के आया कि बहुत जल्दी डेट बताऊंगा, अभी अगर ये सरकार ये सिस्टम अगर नहीं सुनता है ना मेरे स्टूडेंट्स का, तो बहुत जल्दी दूसरी डेट बताने वाला हूं, और वो जगह भी बताऊंगा आपको, वो है मंत्रालय। अब मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट करूंगा, अगर फिर से अगर अभी तक इन्होंने अगर स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को न्याय नहीं दिया तो अगला होगा मंत्रालय, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक इन लोग आपका पीछा नहीं छोड़ता है तब तक मैं भी इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, वो हर माता पिता को इंसाफ मिलेगा। बस मैं इसलिए आया, मैं नहीं आने वाला था, अभी जस्ट फ्रेश हो गया, मैं सोचा थोड़ा सो जाता हूँ, मैं सोया नहीं हूं, मैं रात भर सो जाता हूँ। मगर मैं मेरे घर पे मेरे बेटे ने बोला कि पापा आप आए हो तो कम से कम उनको बताइए, वरना उन लोग ये सोच में रहेंगे कि अभी तक भाऊ को जेल में ही रखा है। तो इसके लिए मैं लाइव आया और आपको बताने के लिए कि मैं आ गया हूं, और फिर मिलेंगे वापस। और एक बात, हर स्टूडेंट फिर वो कौन से स्टैंडर्ड का है, कौन से कॉलेज का है, कौन से ईयर का है, ये मत सोचो। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स है, एक दूसरे को साथ दो, एक साथ मिल के आवाज उठाओ, भाऊ आपके साथ है, ठीक है, मिलते हैं पक्का, सबको जादू की चप्पी, आई लव यू, जय हिंद।